लायंस क्लब भिवाड़ी सिटी के तत्वाधान में आज भिवाड़ी में अन्नदान का कार्यक्रम रखा गया। लायंस क्लब भिवाड़ी सिटी के प्रेसिडेंट ने बताया कि आज का हमारा कार्यक्रम गरीब महिलाओं को अन्न बांटने का है और आज हमने 25 महिला को हमने अन्न बांटा है। इस मौके पर सभी लायंस क्लब के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? हम रहते हैं यार अरावली बिहार में, काम करते हैं इसमें गुलमोर में। अच्छा हाँ जी, चलिए तो आप लोग को अच्छा लगा यहाँ आके? अच्छा लगा यहाँ आके सबसे मिलके आप लोगों से सबसे। आज लायंस क्लब का क्या प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे? बेसिकली लायंस क्लब भिवाड़ी सिटी जी, लायंस क्लब का एक उद्देश्य होता है कि पीड़ित माओं की सेवा करना या जरूरत लोगों की सेवा करना जी। हमारे प्रांत के कुछ लक्ष्य निकाल किए हुए हैं जो अन्नदान का है या डायबिटीज का है या बहुत सारे और भी हैं, और भी प्रोग्राम होंगे, उनमें से ये एक प्रोग्राम है अन्नदान, जरूरतमंद लोगों को अन्नदान करना। उसके तहत हमारे लायंस क्लब भिवाड़ी सिटी ने आज निडी लोगों को ये अन्नदान के पैकेट प्रदान किए। जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, जो जिनको लगता वास्तव में जरूरत है, जिनके पास कोई आगे साधन नहीं है, उन लोगों की सेवा करने के लिए हमारा उद्देश्य था। तो आप लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन कहना है समवन एल्स, आप लोग कंट्रीब्यूशन किससे लेते हैं? हम लोग नहीं, हम आपस में करते हैं, हम आपस में संस्था जो है आपस में एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन करके और कई प्रोग्राम करते हैं। सिर्फ अनुदान नहीं है, कई एक्टिविटीज हैं जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ पैसा क्लब में से निकालते हैं, कुछ हम आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरनेशनल फीस वगैरह जो है वो हमारे क्लब की फीस से जाती है, बाकी हम जितने प्रोग्राम करते हैं प्राइवेट अपने, समझे, जैसे फैमिली गेट टुगेदर है या कुछ और, कुछ छोटा मोटा कोई प्रोग्राम करना है, कवि सम्मेलन करना है, इस तरह से आप हम आपस में पैसे को कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। हमें इंटरनेट कुछ प्रोजेक्ट्स तो हमें इंटरनेशनल से मिलते हैं, जैसे अन्नदान है, सड़क सुरक्षा सप्ताह है, डायबिटीज़ कैंप है, हेल्थ चेकअप कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है। ये प्रोजेक्ट हमें डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं और कुछ हमारे अपने प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, जैसे वाटर कूलर है। आपने कोई वाटर कूलर बनाया? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे 10 वाटर कूलर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। भिवाड़ी मोड़ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पुलिस चौकी है, पुलिस थाना है, यहाँ सब जगह हमारे जो वाटर कूलर चल रहे हैं आरओ विथ चिल्ड्रन। अच्छा जी, और ये हमारे परमानेंट प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे टीन सेट लगा हुआ है। अच्छा। जो वहाँ पे पोस्टमार्टम जहाँ होता था वहाँ खाली जगह थी, पेशेंट्स को बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो हमने टीन सेट प्लस बेंच लगाए हैं। कुछ बैठने के लिए बेंचेस हमने आरटीओ ऑफिस में भी लगाया हुआ है, और जहाँ भी हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट पता चलती है कि यहाँ ये ज़रूरत है, तो जो हमसे हो सकता है हम सारे मेंबर्स मिलके करते हैं। और हमारे क्लब में मंदिर का भी काम चल रहा है, पुलिस थाने के पास में ये मंदिर का निर्माण चल रहा है। अटल जी इसको पुलिस थाने के पास में, गाड़ी फुलवा थाने के पास में एक मंदिर का निर्माण चल रहा है। अच्छा। उसमें हम पूरा कंट्रीब्यूट आपस में भी कर रहे हैं और बाहर से भी ऐसे लेकर काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या एक मंदिर आप बना रहे हैं? मंदिर है और पूरा प्लेटफॉर्म बन रहा है, काफ़ी बड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। हम लोगों से सरिए सिल्वर जो भी सामान लगता है उसमें सब कर रहे हैं, कहीं जगह लोग इस पर से कर रहे हैं, हम लोग भी आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट और हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट है जो गर्ल्स स्कूल है यहाँ पे यूआईटी पुलिस चौकी के सामने, वहाँ हमारे क्लब द्वारा 2 कमरे बनवाए गए हैं। अच्छा। और उनका मेंटेनेंस वगैरह भी हमारा क्लब करता है। और तो हमारे कंबाइंड होते हैं। अच्छा, तो फिर आप लोग कैसे हेल्प करते हो? आप लोग इतना टाइम निकाल पाते हो? जो टाइम हाँ निकलता है निकाल के इनको देते हैं और अपना काम करते हैं। अच्छा, और गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में जो है, क्या आप लोग थोड़ा बहुत उनको एजुकेट भी करते हैं? इस साल हम आई चेकअप कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कुछ शेड हम आगे बढ़ा रहे हैं उसको, वहाँ पे कुछ चेयर्स का सिटिंग चेयर्स जो हैं वहाँ पे टोटल अभी कम है। अच्छा। नंबर ऑफ ओपीडी पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे अप्रॉक्स 700 से 800 की ओपीडी होती है। अच्छा। जो जहाँ स्लिप बनती है वहाँ पे शेड नहीं है तो उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा। इसके अलावा हम एक मोक्ष वाहिनी का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं भिवाड़ी में। अच्छा। मोक्ष वाहिनी में बेसिकली जो डेड बॉडीज़ होती हैं, नंबर ऑफ सोसाइटी यहाँ पे हैं, उन सोसाइटियों से डेड बॉडी को
मोक्ष धाम तक ले जाने के लिए भिवाड़ी में अभी कोई सुविधा नहीं है। अच्छा। तो उसके लिए वो एम्बुलेंस के अंदर या जर्नल वैसे ही उसको लेके आ रहे हैं, तो हम एक पर्टिकुलर ऐसा एक वाहन बनाने की उसमें है, मोक्षवाहिनी जिसको हम बोलेंगे, जिसके अंदर केवल डेड बॉडी ही मोक्ष धाम तक जाएगी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसके लिए किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसको लॉयंस क्लब भिवाड़ी सिटी ट्रस्ट हमने फॉर्म किया है, उसके थ्रू हम उसको रन करें। आज टोटल हम 101 यूनिट हमने अन्नदान की किटें बांटी हैं, जिसके अंदर हमने आटा, तेल, मसाले, नमक, चीनी और सब चीज़ें, दाल रही हैं। नॉर्मली जहाँ नीड होती है वहाँ पे हम करते हैं, चाहे वो रूलर हो चाहे वो सिटी हो। ऐसा नहीं है खाली भिवाड़ी में ही है, चौपान की है, टपुकड़ा है, ये कुशखेड़ा वाला एरिया है, वहाँ भी हम जाते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज हम करते रहते हैं। एक्चुअली ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है, भिवाड़ी और सराउंडिंग भिवाड़ी, सराउंडिंग भिवाड़ी। चार्टर मेंबर और हमारे इस क्लब में सभी चार्टर हैं, मैक्सिमम चार्टर मेंबर्स हैं। और हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, आई कैंप, हम लोग से हम बाहर से कंट्रीब्यूट कम नहीं करते हैं, फाइनेंशियल हम खुद ही अपने मेंबर हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आज भी हम जो किया है एक्टिविटी, वो भी सब हमने आपस में कंट्रीब्यूट करके किया है। बहुत ही बढ़िया, ये तो सुन के लगा जी। तो ये आप लोग का प्रोजेक्ट्स क्या मंथली बेसिस है या वीकली बेसिस है? नहीं, ये बेसिकली क्या, ये हमें डिस्ट्रिक्ट से ही इंस्ट्रक्शंस आती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का एक प्लान होता है कि उसमें हर मंथ में क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें करनी है, तो उनके उनकी पॉलिसी के हिसाब से जो भी वो डिसाइड करते हैं उस हिसाब से हम लोग वो कई कैंप करते हैं हम लोग। तो ये डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी आप लोग कुछ अपना पर्सनल प्रोजेक्ट्स, मतलब ग्रुप जो यहाँ के मेंबर्स हैं वो आप लोग ऐसा भी करते हैं कि खुद भी कुछ डिसाइड करके कुछ एक्टिविटीज तो वो डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। हाँ। कुछ जैसे अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हम मोक्षवाहिनी का कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो हम आपस में प्लान करके कर रहे हैं। कुछ जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं और जो आई कैंप वगैरह हैं, वो सब हम खुद डेट डिसाइड करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं कि जो नीड हो भिवाड़ी सिटी का इसको इकट्ठा करके देना। दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू मैम। मिस्टर सोनी, आप थोड़ा सा मिस्टर सोनी थोड़ा सा प्रकाश डालें इस प्रोजेक्ट के अलावा भी क्या क्या करते हैं। बेसिकली हम क्या, एक डिस्ट्रिक्ट से हमको एक कैलेंडर मिलता है, जैसा कि सबने बताया कि उसके हिसाब से मंथली एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ हमारी एक्टिविटीज़ हमारे क्लब की भी हैं, जैसे वाटर कूलर हम लगाते हैं, जैसा भी पाठक जी ने बताया आपको कि हम एक शेड लगा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पहले भी हमने लगाया है वाटर कूलर। हम जगह जगह वाटर कूलर लगाते हैं, एक आपने देखा हो भिवाड़ी मोड़ पर हमने वाटर कूलर लगाया हुआ, तो उसको मेंटेन भी करते हैं। बेसिकली मैं इस ग्रुप से जुड़ा हूँ, उसके लिए मैं बताता हूँ, उसके लिए आपसे क्यों जुड़ा हूँ कि इस क्लब में किसी भी तरह की, किसी भी लेवल पे आप कहें कि मतलब कोई मन मुटाव या कोई राजनीति किसी तरह की नहीं है। यहाँ सभी लोग एक ही विचार रखते हैं और सबकी यही विचार है कि हम समाज की सेवा करें और जहाँ जिनको ज़रूरत हो वहाँ तक पहुँचें हम और उन तक सेवा करें। आज के जैसे प्रोग्राम में हम कहीं भी जाके फोटो भी खिंचा सकते थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, देखते हैं तब लगे लोग फोटो खिंचाने में इंटरेस्टेड रहते हैं, फोटो खिंचाई चलो पेपर में आ गया हो गया काम, पर हमारे क्लब में ऐसा नहीं है। आपने बहुत कम देखा हुआ कि आपने देखा हुआ हमारे क्लब की न्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आती, हम लोग काम में विश्वास रखते हैं हम लोग। नहीं बट लेकिन थोड़ा सा न्यूज़ में होना भी बेटर है, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, यू नो दे ओनली हेल्प, समाज को हेल्प मिल जाता है। हम जुड़ते हैं लोगों से, हमको लगता है कि जैसे हम, जैसे मान लीजिए कोई, हमको लगता है कि ये हमारे हेल्प कर सकते हैं, हम जाके उनके तक पहुँचते हैं, उनको हमारे प्रोजेक्ट बताते हैं हम कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम कंपनीज को भी कॉन्टैक्ट करते हैं जिनके CSR फंड्स हैं जिनके पास, उनको भी कॉन्टैक्ट करते हैं हम। ये दो बताया आपको कि स्कूल में जो दो रूम बनाए वो CSR एक्टिविटीज़ में बनवाए थे हमने। कोई ऐसा कभी अगर कोई पर्सनल लेवल पे गरीब लोग अगर आपको अप्रोच करते हैं फॉर मेडिकल हेल्प या समथिंग, तो कोई आप लोग में है कोई ऐसा चीज़ ऐसा कर सकते हैं? ऐसा एग्जैक्ट हमारे पास ऐसा कोई बजट नहीं है, पर हमें लगता है कि जैसा कोई आया तो फिर हम सब लोग कंट्रीब्यूट करके उनकी हेल्प भी करते हैं, ठीक है ना। हमें कुछ लोग हैं वो जो साइलेंटली ऐसा करते हैं, कुछ बच्चों की, गरीब बच्चों की फीस भी देते हैं। ऐसा है मैम, अपना चुपांकी से एक शमशुद्दीन करके जो है हमारे पास कैंडिडेट आया, लड़की की शादी थी, तो वो बोला जी हमें कुछ हेल्प चाहिए, तो उसको हमने जो है एक तो डबल बेड, ठीक है, और एक लोहे की अलमीरा होती है मॉमडेंस के अंदर जो है, ठीक है, वो हमने प्रोवाइड की उसको, ठीक है। और हम आज तक चेक करने नहीं गए, हमने सिर्फ उनकी जबान के ऊपर ही कि बच्ची की शादी है और ये सामान चाहिए, तो हम लोगों ने प्रोवाइड करके उसको दे दिया। एक आपको पता होगा यहाँ पे मॉडर्न पब्लिक स्कूल में गरीब कन्याओं का विवाह हुआ था, एक कोई भिवाड़ी के समेत ही उन्होंने किया था, वहाँ पे हमारे क्लब की तरफ से 1,00,000 रुपये डोनेट किए गए, पर कहीं भी हमने नाम नहीं दिया।
तो ये जो मैं कहना चाह रहा था कि हम लोग करते हैं पर नहीं, हाँ ऑफ कोर्स आप लोग जरूर करते होंगे और आपके पास और भी कुछ लोग आए हैं सामान लेने के लिए। तो अभी अभी अगर हमारे पास कुछ किट बच गए तो हमारा ये प्लान है कि हम सोसाइटीज में जाके जो गार्ड्स वगैरह हैं उनको डोनेट की जानी है।